मत तक जूते चप्पल का त्याग करने वाले करने का प्रण लेने वाले ऊर्जा मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चप्पल पहने नजर आया, यानी कि प्रण उनका टूट गया। वीडियो में गुना सांसद केपी यादव समेत कई और नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कुछ दिन पहले ही प्रण लिया था कि जब तक सड़कों की हालत में सुधार नहीं होता तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पांव रहेंगे। लेकिन अब जो ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, ये आप देखिए, चप्पल पहने ऊर्जा मंत्री यहां पर नजर आए हैं, यानी कि प्रण टूट गया। तो अब इनको फिर जनता के सवालों का हो सकता है सामना भी करना पड़े। आइए अब आपको सुनाते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा था जब उन्होंने नंगे पैर रहने का ऐलान किया था। निश्चित रूप से जिन जनता जनार्दन ने मुझे चुना, मैं सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता हूं कि रोड नहीं बना है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। जब मेरे अपने लोगों को पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का एहसास मुझे भी होना चाहिए। कब तक आप चप्पल? जब तक लक्ष्मण तलैया गणे वाली सड़क और जेएच रोड मेट्रोवल अच्छे चलने लायक नहीं हो जाएंगे। खबर ग्वालियर से, तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर फिर से नंगे पैर नजर आए। ग्वालियर में लोगों के बीच नंगे पैर ही उन्होंने जनसंपर्क किया, कांच मिल इलाके में लोगों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याएं भी जानी। तो वायरल फोटो को लेकर ऊर्जा मंत्री ने तुरंत चुप्पी भी साध ली, कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। ऊर्जा मंत्री की चप्पल पहने हुए तस्वीर ये वायरल हुई थी, तो गुना सर्किट हाउस की वायरल तस्वीर बताई जा रही है। सड़क सही होने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प उन्होंने लिया था, लेकिन संकल्प यहां पर टूट गया। तो इस सवाल का जवाब पर वो चुप्पी साधते हुए नजर आए।